इसमें कायनात की कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मैं ही परेशान हो गई थी। झूठ मत बोलो हानिया, सच सच बताओ क्या बात है, ताकि जो कुछ भी होना है वो आज ही हो जाए। मामा प्लीज ट्राई नॉट दिस टाइम, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, गलती तो मेरी थी कि मैंने आपको फोन कर दिया। तुम अपनी हरकतों की वजह से दुखी हो, तुम्हें इनकार कर देना चाहिए। उज़्मा ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से तुम इतना नाराज हो रही हो? हानिया तुम मुझे बताओ, अगर कायनात ने तुम्हें कुछ भी कहा है ना, तो मैं उसे ठीक करूंगी। नहीं नहीं, कायनात ने कुछ नहीं कहा। उसे डांटने से क्या होगा अम्मा जानी, सालिया के बाद अगर इस खानदान में कोई बदतमीज है तो वो कायनात है, जिसे किसी का कोई ख्याल नहीं। मगर अम्मा जानी आपने हानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। मसूद मियां, हमें हानिया पे फख्र है, वो बिगड़े हुए हालात को सुधारने में हमारा साथ दे रही है, उसको हमारा साथ देने दो। और रहा कायनात की बदतमीजियों का, तो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद उससे बात करेंगे। सच सच बताओ, तुमने हानिया को ऐसा क्या कह दिया जो घर में इतना हंगामा हो गया? झूठ मत बोलो कायनात, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मसूद मामू और उस्मा मुमानी रात के 2 बजे घर कैसे आ गए? तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि घर में कोई तकलीफ हो रही है? कभी कोई चीज बर्दाश्त भी कर लिया करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। क्या हुआ, क्या हुआ है ये तो तला तुम बताओ कि क्या हुआ है? तुम वहां क्यों गए थे और हानिया से तुम्हारी क्या बात हुई लॉन में? अली प्लीज छोड़ दो बस, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दी, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सही कह रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो वाकई ठीक नहीं हो रहा, इसलिए अब मैं इसे होने नहीं दूंगा। तला, तला मेरी बात सुनो। अली प्लीज खुदा के वास्ते। पता नहीं क्या मुसीबत है बा, 4 दिन सुकून से नहीं गुजरते इस घर में कि एक नई मुसीबत आ जाती है। तातो भी मैंने कुछ नहीं कहा, आप चाहे तो हानिया से पूछ लीजिए। हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम जवाब। दादो भी मैंने हानिया की आवाज सुनी थी, वो लॉन में फोन पे किसी से बातें कर रही थी। जब मैं लॉन में गई तो शायद हानिया उस्मा चाची से फोन पे बात कर रही थी। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि तो इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं, इसमें तो हंगामे की कोई बात ही नहीं। दादो भी मामा को ऐसी गलती हुई थी, कायनात ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि। तुम झूठ क्यों बोल रही हो हानिया? नानो भी मैं आया था और मैंने सुना था कि कायनात ने हानिया से बदतमीजी की थी, और मैंने हानिया से पूछा कि कायनात ने उसे क्या कहा, मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और इतनी देर में कायनात वापस आ गई और उसने हमें धमकी दी और ये कहा कि क्या मैं भी साले फूफू की तरह पूरे खानदान को इकट्ठा करके दिखाऊं कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। अब इस घर में कोई ड्रामा नहीं खेला जाएगा, इसलिए मैं कायनात से शादी नहीं करूंगा।
दादू भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादू भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दादू भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप भले मुझे मारे, कुछ भी करें, डांट ले, पर दादू भी प्लीज मुझे जवाब दें। दादू भी अगर आप इस तरह चुप रहेंगी तो बहुत गलत हो जाएगा। दादू भी बहुत कुछ गलत हो जाएगा। दादू भी आप सबको संभाल सकती हैं। दादू भी मैं तलहा से भी माफी मांग लूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे माफ कर दे। दादू भी आप जवाब नहीं दे रही मुझे। दादू भी प्लीज मुझे जवाब दे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा हिबा, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, तुम लोग सब लोग मिलकर मुझे मार दो। जान से मार दो, मैं खुद ही मार लेती हूँ अपने आप को। तो मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। खुदा ना कर रही हूँ। तो खुदा ना खास्ता आपको क्यों कुछ होगा? तलाक प्लीज तुम मार क्यों नहीं लेते? दाने ने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो झूठ है। कायनात तुमसे कुछ नहीं कहा। झूठ आप बोल रही है। तला तुम्हें मेरी बात की समझ में नहीं आ रही? तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे इस फैसले से हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी? अगर इसको इस बात का एहसास होता तो ये नौबत ही क्यों आती आज? ये तो इतना बेवकूफ है कि इसकी समझ में किसी की साजिश भी नहीं आती। तलहा कुछ मत कहना। तुमने सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से अम्मा जानी के दिल पर क्या गुजरेगी? रजी और सुरैया बेटी के माँ बाप, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? आप लोगों को सारी दुनिया का ख्याल है, लेकिन यह एहसास नहीं कि आप लोगों का फैसला मेरी जिंदगी को जहन्नम बना देगा। और मामा, ये फैसला करने से तो बेहतर था कि मुझे जहर दे देती। बकवास मत करो तलहा, ये फैसला मैंने नहीं अम्मा जानी ने किया था, अपनी चहेती बेटी की खातिर। सालिया आप अंदर जाइए। क्यों? चहेती का नाम सुनते ही मैं अंदर चली जाऊं? फजूल बातें मत करे, मैंने कहा अंदर जाए। अली इन्हें अंदर लेकर जाओ। मामा प्लीज अंदर चलिए, मजीद तमाशा क्रिएट मत कीजिए। चलिए चलो अली। तलहा एक बात समझ लेना कि अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदलाना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अली तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इन्हें अंदर ले जाओ। किसी को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करती हूँ कि मैं ही मर जाती हूँ। न मैं रहूंगी और न किसी को बदनामी झेलने की नौबत पहुंचेगी। फजूल बकवास मत करो सुरैया, और रोको इस बदतमीज को। बहुत दिनों से इसकी बदतमीजियां देख रहा हूँ मैं। पापा कौन सी बदतमीजी की है मैंने? क्या किया है मैंने? बदतमीज कहेंगी? बाप से जबान लड़ाती हूँ? मैंने मना किया ना कि मुंह से एक लफ्ज निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चुप हो जाओ। मम्मा क्या हो गया आपको? कौन सा गलत काम किया है मैंने? अगर उन दोनों से मैंने ये पूछ लिया कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो तो इसमें कौन सा गलत काम किया? क्या कसूर है मेरा? कसूर तो हमारा है कि हमने तुम्हारी हर गलती पे पर्दा डाला, इसीलिए तो नौबत यहाँ तक पहुँची। और अब अगर जबान लड़ाई तो मुंह तोड़ दूंगी। बैठी रहो यहाँ पे। तमीज सबके सब पागल हो गए यहाँ पे, हर कोई मुझे गलत कहता है। किसी को एहसास ही नहीं है कि हानिया को छोड़कर मैं कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ। तलहा कुर्बानी देकर जिताया नहीं करते, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम पर सब कितना फख्र करते हैं। मामा कायनात का कोई कसूर नहीं है इसमें। कसूर तो मेरा है कि मैंने आपको फोन कर दिया। आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना मसला क्यों बना रहे हैं? ये छोटी सी बात कि तलहा आया और शादी से इनकार करके चला गया? वो इनकार नहीं करेगा। मैं आप लोग से वादा करती हूँ तलहा इनकार नहीं करेगा। बस प्लीज